नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये है 13 अगस्त की मुख्य खबरें। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जम्मू, तिरुपति, पलक्कड़ केरला, गोवा, धारवाड, कर्नाटका और भिलाई छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर 6 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लाधेवाली में शहर के पहले सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जहां से लोग एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। असम वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकल उत्पादन के लिए झारखंड के घाटशिला में देश के संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऐप द्वारा सुरक्षित खरीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने घोषणा की है कि अब उनके मोबाइल बैंकिंग ऐप पर फ्लिपकार्ट का मोबाइल साइट भी उपलब्ध होगा। पश्चिम अफ्रीकी गणराज्य घाना के अगले उच्चायुक्त के रूप में बीरेंद्र सिंह यादव को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स 200 मीटर के व्यक्तिगत मेडले में स्वर्ण पदक जीतकर 4 ओलंपिक में एक ही स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज ने आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा में सनराइज स्टार्टअप विलेज में अपने स्टार्टअप गोदाम का संचालन शुरू किया है। भारतीय रेल ने अनारक्षित यात्रियों के लिए एक नई ट्रेन अंत्योदय एक्सप्रेस की घोषणा की है, क्योंकि अब लंबी यात्रा की दूरी तय करने के लिए यात्रियों को एडवांस में टिकट बुक कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के जून के अपने पिछले फैसले को बदलते हुए लियोनेल मेसी ने घोषणा की है कि वे अर्जेंटीना के लिए खेलते रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झारखंड में एम्स की स्थापना के लिए हरी झंडी दे दी है। कौशल विकास, निवेश और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने इंडिया ट्रेड एंड एग्जीबिशन सेंटर दुबई के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। ओडिशा के पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु भूषण मिश्रा का निधन हो गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेलूर को बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सिप्ला लिमिटेड ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उमंग वोरा को नियुक्त किया है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोरिया डेवलपमेंट बैंक ने व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। आप हमारे सारे शो सीधे आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। बस डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप, जो कि ऑफिशियल ऐप है bankersadda.com और ssc.adda.com का। हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारा ऐप अड्डा 24/7 ट्रैफिक और यूजेज के टर्म्स में एजुकेशन कैटेगरी में तीसरे नंबर पर आ गया है। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट सीधे आपके इनबॉक्स में मिल सके। तब तक के लिए फॉलो करते रहें अड्डा 24/7 को। धन्यवाद।